से निवेदन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया? अरे धारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूं, ऐसे बोलोगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बीजे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, बोलो भारत माता की, मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के युग का नया आगाज किया है, ऐसे हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी जितेंद्र सिंह जी, गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, हमारे सांसद महोदय, और आज इतने दिनों के बाद जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे जम्मू के मेरे प्यारे भाई और बहन, मित्रों, कल से मेरे मन में एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था कि बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, मैदान में पानी भर गया है, शायद मैं आपको मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, मगर माता वैष्णो देवी की कृपा देखिए, धूप निकल आई है और आप सब मेरे सामने। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए, पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहां एकत्रित आए हैं, जहां पर भी प्रेमनाथ जी की आत्मा होगी, श्यामा प्रसाद जी का आत्मा जहां पर भी होगा, ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाख लाख अभिनंदन और आशीर्वाद। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा, दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा, जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया, सालों से एक अन्यायी धारा को खत्म किया, 370 और 35 से हटी और जम्मू और कश्मीर के लाखों लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए।
भाई मनोज सिन्हा ने कहा, पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था, जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे, वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे, मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को अधिकारों को रोक रख, इसको भी मोदी जी ने एक साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू किया, दलितों के और ट्राइबल पर के अधिकारों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लाए, जो मेरे आदिवासी भाई जंगल के अंदर रह रहे हैं उनको जमीन के पट्टे का अधिकार भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब आज ढेर सारे चीजों का उद्घाटन हुआ है, मनोज जी ने विस्तृत रूप से इसकी मीमांसा करी है। मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को पांच मगर चार मेडिकल कॉलेज थे, आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू को कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है, नए और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके हैं। पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे, अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहां MBBS कर पाएंगे, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं, ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। IIT, IIM और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना कर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिंता की। और मित्रों, मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ चर्चे चलते बात करी है कि भाई ये बात सही है, आपके IIT में 2000 बच्चे आएंगे, मगर मेरे जम्मू कश्मीर के कितने आएंगे? तो उन्होंने कहा साहब, ये तो ओपन एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं, देश का कोई भी बच्चा यहाँ आ सकता है। मेरे को होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाए? तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। मित्रों, कल एक अभिनव प्रयोग मैंने देखा, 4500 यूथ क्लब यहां खोले गए हैं, 35,000 युवाओं से मैंने बातचीत की, किसी को रोजगारी मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फायदे मिले, वो लोग समाज सेवा के काम में चुके। मैंने भी उनको कहा कि आप लोग ढूंढ लीजिए, आपके गांव में एक भी माता, एक भी बहन, एक भी महिला गैस के सिलेंडर वगैरह की है तो आप जरूर पत्र लिख दीजिए, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की एक भी माता के घर में गैस का चूल्हा न हो, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में बिजली का कनेक्शन न हो, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के एक भी नागरिक के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी न आए। अगर ये 45,000 युवा जम्मू कश्मीर के गरीबों की सेवा में लगते हैं तो मैं आपको बताता हूं दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मित्रों, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये युवा देखते देखते जम्मू कश्मीर को बदल देंगे। मित्रों, इसके साथ साथ रोजगारी की दिशा में
25,000 सरकारी नौकरियां सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा दे दी गई है। आज के दिन ही 7,000 लोगों को नियुक्ति पत्र अलग अलग प्रकार के देने का काम इसी मंच पर किया गया है। हमारे संचालक महोदय थोड़े कंफ्यूज थे, आंकड़ा टुकड़े टुकड़े बताते थे, मैं बता देता हूं, आज आपके सामने ही 7,000 लोगों को अलग अलग प्रकार के नियुक्ति पत्र, रोजगारी के काम के पत्र दे दिए गए। मित्रों, निवेश के चलते 5,00,000 नए रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। अभी श्री जयपुरी आए थे, उनका 500 करोड़ का निवेश जम्मू में होने वाला है। अब तक जम्मू और कश्मीर मिलकर जम्मू में 7,000, कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाते थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये तीन परिवार वाले जो शोषण करे है ना सालों तक आपका, करे या नहीं करे, अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे, ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ, ये मोदी जी का कमाल है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ, 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5,00,000 जम्मू के, 5,00,000 जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIT, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये तीन परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे, पूछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे, बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके तीन परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है, 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी है। आप हमारा हिसाब मांगते, आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या, किए जम्मू वालों बोलो जरा, किए क्या, जम्मू को न्याय किया या नहीं किया। मित्रों, ये मोदी जी का शासन है, ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टिकरण होगा, एपीसमेंट भी किसी का नहीं होगा। मित्रों, औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर योजनाएं की गई है, चतुर्श्रेणी की नियुक्ति के लिए भी पत्र दिए गए हैं, पंचायत लेखा सहायकों की भी नियुक्ति हुई है। मुमकिन के तहत 500 वाहनों का अंदर कहीं दूर खड़े करे हैं, 500 वाहन जम्मू के युवाओं को दिए हैं जो उनकी रोजगारी का काम करेंगे। तेजस्वी जी के तहत 2,000 महिला उद्यमियों को सहायता दी है, 15,000 रेहड़ी पटरी धारकों को 10,000 रुपए का सिर्फ 6% में लोन देने का काम आज ही हुआ है। 1,000 लोगों को प्रमाण पत्र दिया है, 50 युवाओं को विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के साथ जोड़ा गया है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की रोलिंग ट्रॉफी तैयार की शुरू की गई है। बागेश्वर में आज पर्यावरण का शुभारंभ लगभग 6.5 करोड़ के साथ 28 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा उद्यान बनाने की शुरुआत हुई है। 104 सेंट्रलाइज हेल्थ हेल्पलाइन का शुरुआत हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल डिग्री और कॉलेज पलोरा का लगभग 12.5 करोड़ से आज उसका भूमि पूजन हुआ है, और 272 परियोजनाओं के तहत 2,000 करोड़ के रोडों का भी आज ही भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, एक ही दिन में अगर मैं बताता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही
इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित की है। और ये तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना तो भी 15,000 करोड़ नहीं होंगे। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई, प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए, और 2000 से 14 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त। मित्रों, आरक्षण का जहां तक सवाल है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण नहीं था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने वाली है, इसका आयोग बन गया है, ओबीसी की जातियां भी अब तय होने वाली है, पहाड़ी जनजाति समुदायों के लिए 4% आरक्षण दे दिया गया है, आपका नुमाइंदा भी अब असेंबली में गौरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो निवासी बसते हैं उनके लिए भी आरक्षण कर दिया गया है, मेरे गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ समय में आरक्षण की व्यवस्था हो जाने वाली है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, दिल्ली से कटरा तक अमृतसर के रास्ते 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, लगभग पर्यटन के लिए जम्मू को आजादी के बाद पहली बार कंसंट्रेशन करने का काम किया गया है, धार्मिक पर्यटन की सर्किटों का विकास हो रहा है, और सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर मार्च महीने में 62,000 यात्री देश के और अंतरराष्ट्रीय आए हैं, ये अब तक का रिकॉर्ड है। मित्रों, अब तक कुछ समय के अंदर ही, जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठा देते कि बेटा चल मैं तुझे मेट्रो में बिठाता हूं। मैं जम्मू की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 2 साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आ जाए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है, एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। कल एक हेलीकॉप्टर पॉलिसी की घोषणा करी है, जम्मू कश्मीर सरकार हर जिले में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने जा रही है, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर जिले को अलग अलग यात्रा स्थानों के साथ जोड़ने का काम, और जम्मू से हर जिले को जोड़ने का काम, यात्रियों को पहुंचाने का काम ये हेलीपैड सर्विस के द्वारा होने वाला है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के गांवों को 20-22 घंटा बिजली उपलब्ध कराने के लिए ये 4 वर्ष जो मोदी जी के थे उसमें 35,000 करोड़ रुपए की, कितना मैं बोलता हूं फिर से बोलो, 35,000 करोड़, कितना सुनाई नहीं पड़ता है, 35,000 करोड़ रुपए की उत्पादन जल विद्युत करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट कमीशन के कारण ये 3 परिवार जो रोक कर बैठे थे मोदी जी ने और एलजी साहब ने चालू कर दिया है। मित्रों, 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। मित्रों, इससे पकादुल 624 मेगावाट, कीरू शुरू हो चुकी है 340 मेगावाट वाली, दुलहस्ती 2 390 मेगावाट की कीर्थाई, 930 मेगावाट की कीर्थाई 2, 850 मेगावाट की राटले और 1856 मेगावाट की
सकले कोटे की योजना शुरू होने जा रही है। मित्रों, ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है। मित्रों, मैं आपको दो घटना जरूर बताना चाहता हूं। कोरोना आया, पूरा विश्व झंझोर कर रहे और वो सब लोग सोचने लगे कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा वीक, मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला कर सबसे कम मृत्यु दर भारत के अंदर। अभी तो मैंने भारत की बात करी, भाई मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे बताओ आप देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो, जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर में। मित्रों, मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100%। और दूसरा, मोदी जी एक योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत देश के गरीबों को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, 130 करोड़ की आबादी में से 60 करोड़ को 5 लाख तक का सारा आयुष्य का खर्चा, अपना स्वास्थ्य का खर्चा, आयुष्य बचाने के लिए कर भारत सरकार उठा। मालूम है ना आपको, मगर जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक अकेला राज्य है ये जिसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए सेहत और आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का फायदा। ये बताता है कि मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव। सभी घरों में गैस पहुंचाया है, सभी घरों में शौचालय पहुंचाया है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग और भी योजना है 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर देखे तो ऑक्सीजन प्लांट भी यहां पर हमने देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सौभाग्य, इंद्रधनुष, उज्ज्वला और उजाला, इसमें 100% सिद्धि ली है। जम्मू कश्मीर के 11 लाख 97 हजार किसानों को 6000 रुपया पहुंचता है। मुद्रा योजना का लक्ष्य 100% प्राप्त कर दिया गया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को, 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना, मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी, मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत का सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहां पर, उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, अब कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये लोकतंत्र प्रस्थापित होते ही जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार सामान्य स्थिति पैदा होगी। मित्रों, हम सभी के लिए और मेरे और आपके लिए विशेष रूप से एक स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न
पूरा हो। हमारा स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद जी का बलिदान जिस चीज के लिए आया है वो दिन हमारे जीवन में आप देख पाए। मैं आप सबको कहता हूं मोदी जी के कारण ही आज हम वो दिन देख पाए हैं कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हो। मैं जम्मू वाले को कहना चाहता हूं मोदी जी ने विकास की प्रक्रिया चालू की है, जम्मू वाले चट्टान की तरह इसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं बताइए जोर से, जोर जोर से बताइए खड़े हैं या नहीं खड़े। मित्रों ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा, ये मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। मित्रों 2 घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे, खराब मौसम होने के बावजूद भी पधारे, पहाड़ से भी मेरे इतने सारे भाई आए हैं, मैं सभी का जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आज गगन भेदी नारा लगना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए कि कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी लोग, कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपको आप सुन रहे थे।